की कहना चाहते हो भी थोड़ी बेटी ने बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी है। किसान मूवमेंट के तहत की मेरी टीम ने छुरा मारा, तो बिल्कुल कुड़ी ने आप मारे, मेरी राय तो बिना ही कीता, मैं नु रद्द कर दा, उन्हें बिना कीता और रामू वाली ने भी अचानक नु ट्रांसफर कीता। रामू वाली फिर उन्होंने ये सलाह कहने दी भी बीजेपी ज्वाइन करो, हूँ तुम गल की है? अच्छा ते हुण इह पंजाब च कैंपेन करनगे, की तुसीं इहनां दे विरुद्ध कैंपेन करोगे? अमनजोत कौर रामोवालिया बीजेपी शामिल हो गए ने, बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे ने। उन्हां दे पिता बलवंत सिंह रामोवाली का कहना है भी उन्हां तों सलाह भी लिती गई, उन्हां नूं भी नहीं सी पता एक कदम बारे। आओ गलबात करते हैं बलवंत सिंह रामोवाली नाल ते जानदे हां उन्होंने की कहना। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਆ? ਪਿੰਡ ਦੀ ਝੋਨਾ ਝਾਨਾ ਆਪਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇਖਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦਾ ਰਾਇਟਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, मैं रद्द कर दा और मैं तजोखड़ा साहब जाना, उत्थे बहुत मैं मत्था टेकदा, महीने च एक बारी तां जरूर टेकदा, कई बारी दो बारी टेकदा। मैं तजोखड़ा साहब हमारा गुरुद्वारे की सौ गज कहने से मैं बाजरे के दाने जिन्ना भी पता भी है कर लगी है, हालांकि व्याही भी है आपका धी है, धीरे का धी है, उसको मर्जी करें, लेकिन मेरा कोई तलक नहीं, मैं रद्द करना। उन्हें बिना किया और रामू वाली ने भी इतिहास को ट्रांसफर किया, किसान मूवमेंट की तरफ की मेरी धी ने छुरा मारा किसान। रामू वाली फिर उन्होंने ये सलाह कहने दी भी बीजेपी ज्वाइन करो, सलाह करो सलाह करो, पैंती साल तो आते रह रहे हैं, सोलह सारा साल सारा साल तीन में पंद्रह बारह कनेडा रही है, बड़ों की धरती इसी तरह कनेडा सदा तक कोई बहुत कुछ होगा थोड़ी। आखिरी बार कदों गल हुई सीगी? आखिरी बार तो ये जो तो कोई गल नहीं हुई, तो आखिरी बार नहीं लगते ना आ ना तो क्या सीखा कि तो तू एक्टिविटी करने के भी करनी है, मतलब कि जब जब ना करने आपको नहीं सोचा और पूरी तो क्या कि मैं चले गए मेरी ट्रेन की मेरा और तो चीज मतलब मेरे में क्या क्या वो तो करे तो रहे हैं कि माँ बीमार कैंसर भी वो भी दवाई मांगी है महाभारत का जोर लाया कि बीजेपी ने ममता हराने अखिलेश हराने पंद्रह महाभारत का जोर लागे लड़ी का हिस्सा मैं कहता सी भी करे साढ़े घर से डाका दे पर मैं सामने व्याही भी हूँ ठीक है मेरा सीधा दखल नहीं तो मुझे पूछता लेंगी खास की से गाने में मैंने पूछे मैं तीसरी बारी के जोखड़ा साहब का नाम लेने लगे मैं बहुत श्रद्धालु मैंने बहुत कोशिश गुरुद्वारे से मिले फिर इन्हों के सलाहकार कौन रहे जिन्होंने यह जी सलाह दी भी सलाह करे देखो अक्षरता आज तक घरे रही है मेरे को तो हर वजह से मतलब ड्यूटी रही मैं लेकिन मैं और जी है किसी के मुद्दे बजाओ मतलब किसी को फोन कर ले कि हाँ ना कुड़ी जाओ तो दो चीज आप लाने तो और कोई जाने नहीं तो डिनर जिम्मे तुसी अन्य वाले राजनीतिक कार हो थोड़े तो क्यों नहीं सलाह लेती गई मैं नहीं मेरा बात मैं तो कहता न्यूटली खास किसी को जाने के लिए मेरे ना सलाह
खत्म हो गया और मैं सारे को रद्द कर दिया और मैं उच्ची आवाज कहना है अमन गलोत तू दादा नाना और दादा उसने सिद्धांत भी तो छुरा मारे और तू किसान अंदोलन भी पक्ष की छुरा मारे मेरा तो किसान अंदोलन नहीं लेकिन तुमका खून हाजर है। मैं तो 24 घंटे उन्हें ये गल करना ड्यूटी भी करना इच्छे करना और खबर कहीं दी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली अपने पत्रकार बीजेपी का भविख की है पंजाब च की इन्होंने आहे बीजेपी ज्वाइन करके अपना पॉलिटिकल करियर का खुदकुशी की है विरुद्ध कैंपेन करोगे इलाकों च हल्कों च ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਯੂਪੀ ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ जी नहीं हुण फिर जिवें तुसीं पंजाब च लोकां नूं जोड़न जा रहे हो ढींसा ग्रुप नाल भी उन्हां नाल तुसीं होर बंदियां नूं जुड़वा रहे हो पार्टियां नूं जुड़वाउण दी कोशिश कर रहे हो पर हुण सवाल चोणां च इह खड़ा हो जाऊगा वी तुहाडे आपदे परिवारक मैंबर तां बीजेपी चले गए एक गल मैं पूछना चाहता सी जिवें उन्हें परिवारक जिहड़े अमनजोत कौर जी ने उन्हां दे जिहड़े परिवारक मैंबर ने जिथे विआहे होए ने वो बिजनेस फैमिली नूं बिलोंग करदे की इह बिजनेस फैमिली नूं बिलोंग करन करके गए निराशा है इस फैसले लेके पूरी
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਰਾਮੋ ਵਾਲੀਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਿਆਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਾਮਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੋਗੇ, ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ? ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੋਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਦਾਰੀ ਕਰਤੀ। ਬਣੇ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ 'ਤੇ।